अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमर। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर रोज आपके लिए एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तो आज के जो हमारी वीडियो है वो है यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसीज पर, कि यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन की पॉलिसीज क्या हैं। तो आज जो हम उसका टॉपिक करने वाले हैं वो है एजुकेशनल कंटेंट पर। कल जो के हमने वीडियोस बनाई थी वो थी न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट पर, और उसके बाद जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट दैट वायलेट दिस पॉलिसी, इस पर बात की थी। और उसके बाद हमने जो वीडियो बनाई थी वो थी एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट पर, ऐसा कंटेंट जो आपका एज रिस्ट्रिक्टेड है, यानी बड़ी उम्र के लोग देख सकते हैं, बच्चे वगैरह उस वीडियोस को नहीं देख सकते, उस पर भी हमने वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं उसका लिंक एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा और आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो कि हमारा कंटेंट है वो भी सेक्सुअल कंटेंट पर ही है, लेकिन उसमें एजुकेशनल कंटेंट है कि आप सेक्सुअल कंटेंट में एजुकेशनल कंटेंट कैसे दे सकते हैं, वो उसको लोगों को कैसे सिखा सकते हैं, वो यूट्यूब की पॉलिसीज इस बारे में क्या कह रही है, और इसके बारे में आज हम बात करें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कायदगी से पहुंच सके। तो व्यूअर चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। एजुकेशनल कॉन्टेंट यानी तालीमी मवाद हम अरियानियत, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि हम अरियानियत की इजाजत इस वक्त दे सकते जब बुनियादी मकसद तालीमी दस्तावेजी साइंसी या फनकाराना हो और बेजान ना हो। YouTube यहाँ पर ये कह रहा है कि हम फैश मवाद की उस वक्त जो कि इजाजत दे सकते हैं जब आप तालीमी दस्तावेजी साइंसी या फनकाराना हो और बेजाना हो, यानी आप कोई भी वीडियोस बना रहे हो, वो एजुकेशनल हो, डॉक्यूमेंट्री हो, साइंटिफिक हो और आर्टिस्टिक हो, तो आपको इसकी इजाजत है। अगर आप इससे अलावा कोई काम कर रहे हैं तो आपको इसकी कोई इजाजत नहीं है। मिसाल के तौर पर छाती के कैंसर या एक दस्तावेजी फिल्म मुनासिब होगी, यानी आप कोई भी वीडियोस बना रहे हो वो एक छाती के कैंसर पर फिल्म बनाई गई है, तो वो आपके लिए एक मुनासिब चीज है कि वो आप उसमें कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन फहाशी को जो कि फरोग नहीं दे रहे, तो आपकी वीडियोस फिल्म है वो YouTube जो कि एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद YouTube ने ये लिखा है कि लेकिन इस दस्तावेजी फिल्म से जनसी तस्कीन के लिए सैको सबाक से हटकर ये मुनासिब नहीं है कि आप जो कि फिल्म जो कि ब्रेस्ट के कैंसर पर बनाइए, लेकिन उसमें कोई और चीजें ऐड कर रहे हैं अपनी फिल्म को हिट करने के लिए, तो आपने ऐसा नहीं, तो आप उसको किसी और जो कि पॉइंट ऑफ व्यू में ना दिखाएं कि लोग उससे कोई और ही काम कर रहे हो, आप कुछ सिखा रहे हैं लेकिन उससे लोग कोई और ही फायदा उठा रहे हो, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मुकामी कम्युनिटीज में सैको सबक से हटकर तभी तरीकाकार के दौरान, बच्चे की पैदाइश दौरान, फनकारन या परफॉर्मेंस के दौरान या दूध पिलाने के दौरान हमारी दस्तावेजी इस नाम को पूरा नहीं कर सकता, यानी आप कोई भी वीडियोस बना रहे हैं उसमें जो के बच्चे की पैदाइश दिखा रहे हैं या जो के बच्चे को दूध पिला रहे हैं और या उसके अलावा जो हाशी को फरोग देने वाली वीडियोस है वो उस पर जो कि आप वीडियोस बना रहे हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। ऐसे करने से यूट्यूब ने मना किया है। यूट्यूब इन तमाम चीजों को पूरा नहीं कर सकता, उसने सिर्फ चंद चीजों की इजाजत दी है कि आप ऐसा करें, लेकिन वो भी यूट्यूब के जो के दायरे में रह करके आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने खुद से ऐड कर रहे हो कि कभी क्या दिखा रहे हो कभी क्या दिखा रहे हो, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद है फनकाराना मवाद, जैसे फिल्मों, ऑडियो, कहानियों, मौसीकी या वीडियो गेम्स में जनसी मनाजर की अक्कासी पर भी यही बात लागू होती, यानी आप ये समझ रहे हैं कि आप कोई भी गेम्स चलाते हैं, फिल्म चलाते हैं, ऑडियो कहानी सुनाते हैं, लेकिन उसमें फाशी है, आवाज में भी फाशी होती है कि आप उसमें कोई ऐसे जो कि वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो कि लोगों को जैसे जो कि सेक्सुअल ग्राफ्टिंग की तरफ आप ले जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने इन चीजों पर भी यूट्यूब ने मना किया कि आप ऐसा मत किया करें कि लोगों को फाशी की दावत ना दिया करें कि आप उधर उस जो कि डायरेक्शन में लोगों को लेके जा रहे हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा करने से भी यूट्यूब के जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन से वो लागू होती है। याद रखें कि मवाद, अनुमान और तफसील में सैको सबक देने से हमें और आपके नाजरीन को वीडियो के बुनियादी मकसद का तय करने में मदद मिलेगी, यानी वो भी है, वो कह रहे हैं कि अगर आप उसमें सैको सबक लगाते हैं यानी कॉन्टेक्स्ट न्यूडिटी लगाते हैं तो
तो आपने ऐसी कोई वीडियो दी है तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे हमने भाई ये वीडियो दी है, हमारी इस वीडियो में ऐसा कोई चीज नहीं है लेकिन टाइटल टैग में है, तो आप उसकी जो के एक्सप्लेनेशन है वो अपने डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि वो कोई भी बंदा वहां पर आपकी डिस्क्रिप्शन चेक देख ले कि ये इसमें ठीक होगा मवाद, तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐसा मवाद के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया कि वो लोग आपसे की वीडियो से आगाही हासिल कर सके, आपकी वीडियो को बैन करने से पहले वो ऐसा कुछ देख सके। यहाँ ऐसे मवाद की कुछ मिसालें हैं जिनके बारे यूट्यूब ने इन चीजों से मना किया है। जैसे मवाद को अलग थलग करने के लिए गैर फहश फिल्मों शोज या दीगर मवाद से निकाले गए क्लिप्स, यानी आप कोई भी क्लिप किसी भी और भी वीडियो से निकालते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना, यानी टटोलना, पेंटिंग करना, अवामी बशर्ती आप स्केटिंग, वेजिटिज्म, शिकारी नुमाइश या कोई दूसरे मवाद जिसमें किसी की रजामंदी के बगैर किसी को जिनसी तौर पर दिखाया गया हो, तो आपने ऐसे काम नहीं करने। जी उन्होंने कुछ मिसालें दी हुई है लेकिन ये चंद मिसालें हैं जहां पर उन्होंने जो कि मोर एग्जाम्पल्स दी गई है कि प्लेलिस्ट जो जिनसी तस्किन के मकसद के लिए हरियाणी या जिनसी थीम्स पर मुश्तमिल मवाद को जमा करती है, ऐसी जो कि प्लेलिस्ट जो कि जिनसी मवाद को थीम्स को जमा करके रखती है, तो आपने ऐसे जो कि प्लेलिस्ट से नहीं बनानी। इश्तआलंगेज रक्स जो रकास के जिनसी अज़ा कुलों या छातियों पर मरकूज हो या किसी भी लिपटना ला टटोलना शामिल हो, तो आपने ऐसी जो के प्लेलिस्ट नहीं बनानी, यानी आप उसमें जो के डांस वगैरह दिखा रहे हो और इस तरह के जो के सेक्सुअल कंटेंट रखा हुआ है तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना। या ऐसा मवाद जो असमत दरी के ड्रामे मनाजर के क्लिप्स को इकट्ठा करता है जिनसी तस्कीन के मकसद के लिए, जिनसी अमल की ऑडियो या मतनी कसी जिनसी तस्कीन के मकसद से जिसमानी रतूबतों या अफराज को दिखाने वाला मवाद, जैसे पेशाब जिनसी तस्कीन के मकसद के लिए रोजमर्रा की चीजों या मनाजरों जैसे इंजेक्शन या खाने के इस्तेमाल करने में वाला मवाद, ऐसे मवाद पर आपने वीडियोस नहीं बनानी। वीडियो गेम का मवाद जैसे जिनसी तस्कीन के लिए तैयारी या तब्दील किया गया है, तरमीम शुदा या नापसंदीदा जिंसियत के मौजूद पर फोकस किया गया है, तो आपने ऐसे पर्पज पर वीडियोस नहीं बनानी। ये जैसा एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको बता दी, तो इसके बाद यहाँ पर ये हमारा जो कि ये टॉपिक भी खत्म हो गया। तो आपने ये गौर किया होगा कि मैंने जो कि ये सेक्सुअल कंटेंट है इस पर जल्दी से जल्दी जो कि वीडियोस को कवर करने की कोशिश की है कि आपको ये सब चंद ही एक एक आध वीडियो में वह बता दूं, क्योंकि मैं खुद नहीं ये चाहता कि आपको चैनल पर, तो मैंने आपको ये जल्द से जल्द चीज़ें बता दी हैं। और अगर आपको मेरी ये जो कि इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर लाजमी करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंच सके। तो व्यूवर्स अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।